हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज और रोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स। आज हम इस वीडियो में तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मतलब जो स्कूल एज के चिल्ड्रन होते हैं, जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं उनमें कौन कौन सी जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं। There are some health problem which common in school children. पहला आपका आ जाएगा माल न्यूट्रिशन, जनरल माल न्यूट्रिशन एंड स्पेसिफिक माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी इंक्लूड आयोडीन, विटामिन ए, आयरन कैन अकर द एनी एज आर कॉमन इन स्कूल चिल्ड्रन। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है माल न्यूट्रिशन, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन की डिफिशेंसी हो जाती है, जिसमें और भी इंक्लूड हैं प्रॉब्लम, जैसे कि आयोडीन की प्रॉब्लम, विटामिन ए की डिफिशेंसी, आयरन की। क्योंकि इस एज में हमें जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो हमारी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन अकर होती है। दे कॉन्ट्रीब्यूट इन्फेंट चाइल्ड एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी, डिक्रीज लर्निंग कैपेसिटी, लोअर प्रोडक्टिविटी एंड हायर इन्फेंट चाइल्ड मॉर्टेलिटी। जब ये सारी कंडीशन अकर होती हैं तो उसमें जो लर्निंग की कैपेसिटी है, जो बच्चों में लर्निंग की कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, और इसमें मतलब इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब जो बच्चे 5 साल के अंदर ही जिनके डेथ हो जाती है वो ज़्यादा हायर होती है, क्योंकि उनको ना तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना ही उनको विटामिन ए मिल रहा है, उनको आयोडीन की प्रॉब्लम हो रही, आयरन की भी प्रॉब्लम हो रही, तो माल न्यूट्रिशन से भी बहुत सारी डेथ हो जाती हैं। दूसरी कंडीशन आपकी है, दूसरी प्रॉब्लम है इन्फेक्शस डिजीज़। कुछ ऐसी डिजीज़ इन्फेक्शस डिजीज़ हो जाती हैं। दे आर आर नंबर ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ विच कॉमन अमंग चिल्ड्रन आर द कॉज ऑफ हाई मॉर्टेलिटी इन देम, जो मतलब डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ ऐसी इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं जिससे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा डेथ होती है। दिस इंक्लूड कुछ ऐसी जो ऐसी कंडीशन इन्फेक्शन इंक्लूड है, जैसे कि डायरिया। सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो डायरिया से होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और बच्चे को कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, मीजल्स, पर्ट्यूसिस जिसको बूपिंग कप बोलेंगे, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सारे इन्फेक्शन डिजीज होती हैं जिससे कि जो आपको कॉमन है, जो स्कूल एज चिल्ड्रन हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट में हो जाती हैं। इंटेस्टाइनल पैरासाइट आर यूजली प्रोटोजोआ और बॉम्ब्स दैट गेट चाइल्ड बॉडी यूज इंटेस्टाइन एंड सेल्टर, मतलब जो बच्चे की इंटेस्टाइन है उसमें आपको उसमें प्रोटोजोआ बॉम्ब की वजह से डिजीज़ अकर होती है। द पैरासाइट विल बी लिव इन द इंटेस्टाइन, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफन प्रोड्यूस द पैरासाइट में भी मे नॉट कॉज सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, पुअर सैनिटेशन एंड अनसेफ वाटर इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैचिंग इंटेस्टाइनल पैरासाइट। मतलब ये प्रॉब्लम क्यों अकर होती है, जब हम अनहाइजीन खाना खाते हैं, हम प्रॉपर सैनिटेशन नहीं करते हैं, कोई जब हम जो हम ड्रिंकिंग वाटर करते हैं वो क्लीन नहीं होता है, या हम कोई भी अनहाइजीनिक फूड लेते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम अकर होती है। नेक्स्ट है डिजीज़ ऑफ आई, स्किन, ईयर। जो कॉमन प्रॉब्लम है वो आपकी स्किन, आई, ईयर में भी हो जाती हैं, ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन डिसऑर्डर पर्टिकुलरली इन्फेक्शन आर एक्सट्रीमली कॉमन अमंग चिल्ड्रन। ये मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, बच्चे को गले में प्रॉब्लम हो रही है, नोज से प्रॉब्लम हो रही है, ईयर में, थ्रोट में, स्किन में। नेक्स्ट है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट क्रॉनिक डिजीज़ अफेक्टेड वुमेन इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक स्टेटस, एज अराउंड 90% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैव बीन अफेक्टेड द डेंटल कैरीज, हेंस इज द कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लोबल ओरल हेल्थ बर्डन। मतलब जब ये सबसे ज़्यादा बच्चों में क्यों होती है, क्योंकि बच्चे अपना उतना माउथ क्लीन नहीं कर पाते हैं, ना ही डेली ब्रश करते हैं, और इसकी वजह से उनके डेंटल कैरीज भी हो जाती है, दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है।
इसमें 90% देखोगे इस जो स्कूल चिल्ड्रन है वो 90% इससे अकर होते हैं, केसेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा इसी में है कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पहला हो जाएगा स्क्रीनिंग हेल्थ केयर और रेफरल, स्क्रीनिंग ऑफ जनरल हेल्थ असेसमेंट ऑफ एनीमिया, न्यूट्रिशन स्टेटस, विजुअल एक्यूटी, हियरिंग प्रॉब्लम, डेंटल चेकअप, कॉमन स्किन कंडीशन, हार्ट डिफेक्ट, फिजिकल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसऑर्डर, बिहेवियर प्रॉब्लम, इसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। बच्चों में देखेंगे कि उनको एनीमिया तो नहीं हो रहा है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, उनकी विजुअल एक्टिविटी कैसी है, उनको कोई सुनने में तो प्रॉब्लम नहीं है, और इनकी डेंटल की भी चेकअप करेंगे और स्किन कंडीशन भी देखेंगे। बेसिक मेडिसिन किट टू बी प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स प्रेवलेंट एमंग यंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उनको हम मेडिसिन भी देते हैं, एक मेडिसिन किट भी देते हैं जिससे कि वो उनको ट्रीट कर सकें। रेफरल कार्ड फॉर प्रायोरिटी सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट, और एक रेफरल कार्ड होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का होता है, जिसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकता है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन एज़ पर नेशनल शेड्यूल, जो भी शेड्यूल है उसको देखेंगे कि इसको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिक्स्ड डे एक्टिविटी, उसकी एक डे की एक्टिविटी देखेंगे, कपल्ड विद एजुकेट अबाउट दिस इशू, और जो भी पेरेंट्स हैं जो भी कपल्ड हैं उनको हम एजुकेट करेंगे अगर कोई भी इशू है। माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड मैनेजमेंट, वीकली सुपरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन फोलेट टैबलेट कपल्ड विद एजुकेशन अबाउट इशू। विटामिन ए एज पर नेशनल शेड्यूल, मतलब उनको हम आयरन फोलिक एसिड टैबलेट भी देते हैं, उनको वीकली सुपरवाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हफ्ते में एक बार, और जो भी विटामिन ए जब देना होता है तो एज पर नेशनल शेड्यूल बच्चों को देते हैं। नेक्स्ट है डी वार्मिंग एज पर नेशनल गाइडलाइंस बाय नियरली सुपरवाइज शेड्यूल को देखेंगे, प्रायोर एजुकेशन इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन विद इनिमिनेशन ऑफ फैमिली ब्रिंग सिबलिंग स्कूल दन फिक्स्ड डे, और हम उनकी फैमिली जो बच्चे हैं उनकी फैमिली मेम्बर से भी इंफॉर्मेशन देंगे, उनको एजुकेशन देंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। सिबलिंग ऑफ स्टूडेंट आल्सो भी कवर्ड, और हमें जो सिबलिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी कवर करना होता है। हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल, हम स्कूल में हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं। काउंसलिंग सर्विसेज प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलबींग, अगर किसी को मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको प्रमोट भी करते हैं, उसको काउंसलिंग भी करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, और स्कूल में योगा, फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन देते हैं बच्चों को। पीयर लीडर एज हेल्थ एजुकेटर, और जो भी ग्रुप होता है उनका फ्रेंडशिप का ग्रुप होता है उसको हम एजुकेट करते हैं वो किस ग्रुप में रह रहे हैं। एडोलसेंट हेल्थ एजुकेशन, और हम एडोलसेंट हेल्थ एजुकेशन भी देंगे। लिंकेज विद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, और जो भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको भी उससे लिंक करके, मतलब ऐसा नहीं कि वो कॉलेज आ रहा है तो उसको ही सारा कुछ बता रहे हैं, उससे उनको और भी ज़्यादा बच्चों को लिंक करेंगे और उनको एजुकेट करेंगे। हेल्थ क्लब, हेल्थ कैबिनेट, फर्स्ट एड रूम, सेंटर कॉर्नर और क्लिनिक, हम मतलब स्कूल हेल्थ में एक फ़र्स्ट एड रूम भी होना चाहिए, अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो उसको फर्स्ट एड दिया जा सके स्कूल में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जो स्कूल जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसका स्कूल में जो भी प्रोग्राम है उसमें क्या रोल होता है उसका। द मेजर रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज सर्व एज द लाइजन बिटवीन स्कूल होम एंड कम्युनिटी, वो भी जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो मतलब एक बॉन्डिंग बनाती है स्कूल होम और कम्युनिटी में, ठीक है, सबसे मेजर रोल उसका यही होता है। सी ब्रिज द गैप बिटवीन व्हाट इज़ द चाइल्ड लर्न एट स्कूल एंड प्रैक्टिस एट होम, मतलब वो ये देखती है जो भी मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्कूल जाते हैं, इसके बाद में वो अपने स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं,
उनकी मतलब वो अपने घर पे क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक उस जो स्कूल टाइम होता है जो हो और उसके घर पे रहने का जो टाइम स्कूल टाइम, उसके बीच में एक ब्रिज बनाती है, गैप ब्रिज बनाती है, उसमें ये देखती है कि वो क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं। सी इज़ कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, और वो भी जो भी स्कूल हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन भी करती है और कोऑर्डिनेट भी करती है। सी ऑर्गेनाइज द स्कूल हेल्थ क्लिनिक एंड मीटिंग ऑफ द पेरेंट टीचर एसोसिएशन, और वो स्कूल हेल्थ क्लिनिक को भी ऑर्गेनाइज करती है और पेरेंट्स जो आते हैं उनके साथ मीटिंग भी करती है, उनको एजुकेट करती है कि अपने आप अपने बच्चे को घर पे आपको कैसे प्रिवेंट रखना है डिजीज़ से। ड्यूरिंग हर होम विजिट इंस्पेक्ट द स्कूल हेल्थ सर्विसेज ऑफ द फैमिली, जब भी वो होम विजिट करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का वर्क होता है होम विजिट का, तो वो स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी फैमिली मेम्बर्स को बताती है। नेक्स्ट है सी इज काउंसलर एंड एजुकेट द हेल्थ, और वो अगर ज़रूरत पड़ने पर हेल्थ से रिलेटेड एजुकेट भी करती है और उनको काउंसलिंग भी देती है। सी प्लान फॉर हेल्थ टॉक गिविन द स्कूल, सी प्रोवाइड गाइडेंस टू द टीचर एंड पेरेंट्स मैटर इन ऑफ हेल्थ, वो जो भी हेल्थ टॉक देती है, जो भी बच्चों को हेल्थ टॉक देती है कॉलेज में स्कूल में, वो किसके गाइडेंस पे देती है, वो गाइड करती है, मतलब टीचर को भी गाइड करती है, पेरेंट को भी गाइड करती है उन बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मैटर में। नर्स आल्सो मैनेज स्टूडेंट हु हैज क्रॉनिक डिजीज कंडीशन एंड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, दिस इंक्लूड गिविंग देम मेडिकेशन नीडिड, वर्किंग विद पेरेंट्स टीचर टू क्रिएट द इनफोर्स केयर प्लान। जो नर्स होती है वो अगर किसी को क्रॉनिक हेल्थ डिजीज़ हो रही है तो उसको भी मैनेज करती है, अगर बच्चे में कोई भी डिसेबिलिटी हो रही तो उसको मैनेज करती है, और उनको पेरेंट्स को भी बताती है, टीचर को भी इसमें इन्वॉल्व करती है और उसका मेडिकेशन भी करती है और उनका एक इनफोर्स केयर प्लान रेडी करती है। तो ये आज का हमारा था टॉपिक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फॉर मोर कॉन्टेंट।